हेलो माय डियर प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे आपके चैप्टर नंबर 13 मनी की। मनी यानी कि हिंदी में आप जानते हैं पैसा। यस बच्चों, यस आप जो भी चीज़ खरीदना चाहते हो वो पैसे देकर खरीदा जा सकता है। यस, और पैसे के बदले में बेचा जाता है। यस, ये कुछ मैच द कॉलम है जो आपको बताया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 रुपीज़ को इससे जोड़ना है, 50 रुपीज़, 100 रुपीज़, 20, 10 एंड 2 रुपीज़। तो ये नोट है, इनको क्या बोलते हैं बच्चों? इनको बोलते हैं हम नोट। यस, करेंसी है एक तरीके से। चलिए अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये डिफरेंट कॉइन्स हैं। यस, ये जो राउंड में दिख रहे हैं इनको हम कॉइन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉइन्स। एक हो तो कॉइन, दो एक से अधिक हो तो कॉइन्स। और नोट के बारे में भी आपको दिया गया है। यस, आप देख सकते हैं ये 1 रुपी का नोट, 2 रुपी, 5 रुपी, 10 रुपीज़, 20, 50, 100, 500 एंड 1000 रुपीज़। कितनी नोट्स हैं आप बता सकते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ओके बच्चों, अब काउंटिंग हम सीखेंगे। 5 का मतलब होता है 5, तो 5 + 5 = 10। ऐसे 10 + 5 = 15। तो देखिए इसमें एडिशन, और हमारा एडिशन भी आ गया। अब हमें ऐसे ही नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट में हमें बताया गया है कि भाई यहाँ पे आपको रेट दिया गया है और आपको उन कॉइन्स को सर्कल करना है जिसका वैल्यू इस कैडबरी के रेट जितना हो। जैसे 10 + 5 = 15। ऐसे आइसक्रीम का भी है 5 रुपीज़, तो ये रहा 5 रुपीज़ का कॉइन। ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो पेंसिल बॉक्स के लिए भी है 22, तो 10 + 10 = 20 + 2 = 22। ऐसे ही बॉल पेन का भी हमें करना है। काफ़ी इजी चैप्टर है, आप बड़े ही आराम से कर सकते हैं। यस, नोट्स, करेंसी, कॉइन, यस ये सब चीज़ें बताई गई हैं। इसके आगे जो चैप्टर है वह चैप्टर आपका डेटा हैंडलिंग है, जिसमें आप देखेंगे कि भाई बहुत डेटा का मतलब होता है जानकारी। यस, इंफॉर्मेशन। जैसे आप ये पिक्चर देख सकते हो तो इसमें आपको पता चलेगा भाई यहाँ पर क्या, कौन सी पार्टी मनाई जा रही है, किसका बर्थडे है, क्या क्या है चीज़ें देखने को मिल रही हैं, है ना? ओके तो बच्चों यहाँ पे भी आपको कुछ बताया गया है कि ग्लास कितना है, कैंडल कितने हैं, यस, और केक कितने हैं, बलून कितने हैं, तो वो हमें कुछ लिखने हैं नंबर्स को। अब यहाँ पे हम बात करेंगे पिक्चर के रूप में जो चीज़ें हमें बताई जाती हैं उसको हम कहते हैं पिक्टोग्राफ। क्या कहते हैं बच्चों? पिक्टोग्राफ। पिक्चर के माध्यम से जब चीज़ें हमें बताई या समझाई जाती हैं तो उसे हम कहते हैं पिक्टोग्राफ। क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ पर जो खिलौने दिए गए हैं वो कितने हैं काउंट करके? जैसे कार 5 है, रेल ट्रेन 1 है, बॉल 6 है, यस, और ऐसे ही जहाज, यस, आप देखेंगे तो वो 2 हैं। टेडी बियर कितने हैं? 3 हैं। ऐसे है ना, बोट्स। अब प्यारे बच्चों हम आगे बढ़ेंगे और ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस के आंसर भी देंगे। यहाँ पर हमें पिक्चर दिया गया, इस पिक्चर को देख के हमें नीचे के सवालों के जवाब देने। जैसे यहाँ पे आपको पूछा गया है भाई, सबसे पहला क्वेश्चन है कि विच आर मोर, सबसे ज़्यादा कौन सा है इन तीनों में से? तो ये आप देख सकते हैं, दिस इज़ मोर, यस, तो इस पे आप टिक करेंगे। हाउ मैनी वाटर मेनल्स डिड राहुल्स फादर बाय? तो 2। फिर हाउ मैनी टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स आर देयर? तो 18। सबको काउंट करेंगे तो 18 आता है। ऐसे ही यहाँ पर भी आप देखेंगे तो पिक्चर है, पिक्चर के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे स्लीपिंग को काट के स्लीपिंग कर लेंगे तो कितने एनिमल स्लीपिंग है? 2। कौन कौन से हैं? तो आप देख सकते हैं कि एक तो ये बियर सो रहा है और ये चीता सो रहा है। ऐसे ही हाउ मैनी स्ट्रिप्ड एनिमल्स आर देयर, जिनके ऊपर धारियाँ हैं, ऐसे कितने हैं? तो 1, 2 आर देयर। फिर ऐसे ही हाउ मैनी मोर स्पॉटेड एनिमल देन स्ट्रिप्ड एनिमल, तो आप गिनेंगे तो स्ट्रिप्ड वाले एनिमल 2 हैं लेकिन स्पॉटेड वाले एनिमल 1, 2, 3 हैं, तो 1 ज़्यादा है। हाउ मैनी एनिमल्स आर देयर इन ऑल, तो टोटल एनिमल कितने हैं काउंट करो आप सबको? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 आर देयर। तो काफ़ी आसान चैप्टर है, आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पर आपको इनका नाम लिखना है। यस, ओके, तो बस काफ़ी आसान चैप्टर है ये, आपको अपनी टेक्स्ट बुक में करना है। ओके।